But merely making laws is not enough. खाली लॉ बनाना ही सब कुछ नहीं है. द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. और गवर्नमेंट को ये भी देखना होगा कि ये जो लॉज है ये वाकई में लागू हो रही है या नहीं. दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं उनसे लॉ का पालन करवाना होगा. एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग. और ये जो लॉ का एनफोर्समेंट है इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लॉ को बचाना है एक कमजोर इंसान को बहुत ताकतवर इंसान से. फॉर इंस्टेंस टू एंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट फेयर वेजेस द गवर्नमेंट हैज टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉ. अब इसके लिए क्या करना होगा कि जैसे गवर्नमेंट ये जानना चाहे कि हर वर्कर को जो है प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं या नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट को खुद भी इंस्पेक्ट करना होगा वर्क साइट को रेगुलरली और जो लोग इस लॉ को वायलेट कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देना होगा. When workers are poor or powerless, the fear of losing future earning or facing reprisals often forces them to accept low wages. कई बार ऐसा होता है कि जो वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं होती और अपना जो उनकी अर्निंग है वो अगर भविष्य में इसमें लड़ लेंगे वो खो दी जाएगी, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अगर कम दामों पे भी काम करवाने हैं तो वो मान लेते हैं. Employers know this very well and use their power to pay workers less than their fair wage. अब एम्प्लॉयर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, वर्कर्स को कम पैसे देते हैं जितने की उनको मिलने चाहिए. इन सच केसेस इट इज क्रूशियल दैट लॉज आर एनफोर्स्ड. पर ऐसे केसेस में लॉज का इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है. थ्रू मेकिंग एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू इंश्योर सोशल जस्टिस. अब अगर इस तरह से ये जो लॉज हैं ये बनाई जाएंगी, बोला जाएगा जबकि फोर्स किया जाएगा कि नहीं आपको इन लॉज को मानना है, तो गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर पाएगी चाहे इंडिविजुअल की एक्टिविटीज हो या प्राइवेट कंपनीज की, ताकि जो है सबको प्रॉपर न्याय मिल सके. मेनी ऑफ दीज लॉज हैव बीन देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारी इसमें से लॉज ऐसी हैं जिनका बेसिस है फंडामेंटल राइट्स में जो कि हमारे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है. फॉर इंस्टेंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सेज that no one can be forced to work for low wages or under bondage. अब right against exploitation वाली जो कह देते हैं right है वो बताती है कि किसी को भी काम करने के लिए आप force नहीं कर सकते कम दामों पर, और साथ ही साथ आप उसको जो है bondage यानी बंधुआ मजबूर भी नहीं बना सकते. Similarly, the constitution lays down that no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mines or any other hazardous employment. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात और भी कही है कि कोई भी बच्चा अगर वो 14 साल की उम्र से कम है तो उसको आप किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी माइंस में या किसी भी ऐसे डेंजरस एम्प्लॉयमेंट के काम में नहीं इन्वॉल्व करेंगे. हाउ आर दीज लॉज प्ले आउट इन प्रैक्टिस. अब इस तरह की जो लॉज बनती है ये प्रैक्टिकली कैसे करी जाती है. टू वॉट एक्सटेंट टू दे एडजस्ट द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस. कहाँ तक इनका पहुंच है कि ये जो है सोशल जस्टिस को लेकर बहुत कंसर्न है. These are some of the questions that this chapter will now go on to explore. अब कुछ इस तरह के questions हैं जो कि हम इस chapter में explore करेंगे. Bhopal gas tragedy, the world's most industrial tragedy took place in Bhopal 25 years ago, 24 years ago. जो world की सबसे भारी industrial tragedy हुई थी वो भोपाल में हुई थी 24 years पहले. Union Carbide, an American company, had a factory in the city in which it produced pesticides. एक यूनियन कार्बाइड अमेरिकन कंपनी थी, उसकी फैक्ट्री जो है शहर में थी जहाँ पर वो पेस्टिसाइड्स बनाती थी. At midnight on 2nd December 1984, methyl isocyanate, a highly poisonous gas, started leaking from this UC plant. रात को मतलब कहना चाहिए आधी रात को 2 दिसंबर के 1984 में ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो कि बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में पॉइजनस थी, उसने जो है इस यूनियन कार्बाइड प्लांट से लीक करना शुरू कर दिया.